नमस्ते बच्चों, तो इससे पहले हमने ट्रेसिंग सीखा, ट्रेस एंड राइट। उसमें हमने स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सीखी, ठीक है। आज हम अभी उस ट्रेसिंग के बाद कुछ सीखने वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं वर्ण सीखने वाले हैं। पर बच्चों मुझे बताओ कि आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है, कौन से फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं? तो फ्रूट्स खाने से हम कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो हमें फ्रूट्स बहुत सारे खाने चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये कौन सा फ्रूट्स है, देखो यहाँ पे देखो, हाँ तो ये फ्रूट्स है अनार का। कौन सा फ्रूट्स है ये कौन सा फल है? अनार। तो अनार शब्द अ अ वर्ण से शुरू होता है। कौन से वर्ण से शुरू होता है? अ वर्ण से। तो वही आज हम अवर्ण की पहचान करने वाले हैं, ठीक है। तो अ से अनार क्या आता है? अ से अनार। तो यहाँ पे मैंने किस तरह से लिखा है, देखो अ से अनार, और ये अनार है और उसको मैंने रेड कलर से कलर किया है, अ से अनार। तो अ से अनार ये जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। उसी प्रकार अ से अजगर, अ से अलमारी, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अखबार और अ से अनानास, ऐसे इतने कई सारे शब्द अ वर्ण से शुरू होते हैं। कौन से शब्द शुरू होते हैं? अ से अनार, अ से अचकन, अ से अलमारी, अ से अदरक, अ से अखबार, अ से अजगर और अ से अनानास। वेरी गुड। तो बच्चों आपके पास जो ये बुक है हिंदी अक्षरमाला भाग अ, कौन सी बुक है आपके पास? हिंदी अक्षरमाला भाग अ, उसमें से पेज नंबर 12 निकालिए, 1 to 12, हाँ 12 नंबर का पेज निकालिए। वेरी गुड। तो ये पेज निकालने के बाद आपको मैंने जिस पर लिखा है वैसे ही तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाजू में एक अनार का चित्र दिखाई देगा, दिख रहा है सबको? हाँ वेरी गुड। और यहाँ पे कुछ लाइन दी हुई है, तो ये पंक्तियाँ आप मेरे साथ बोलो, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ओ से अनार खाते जो लो रहते हैं सदा नियो, ओ से अनार खाते जो लो रहते हैं सदा नियो। इसका मतलब है ओ वर्ण से अनार शब्द की शुरुआत होती है और अनार खाने से हम सब कैसे रहेंगे, निरोगी रहेंगे, हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अ वर्ण की पहचान की है। तो ये अ वर्ण की पहचान सिर्फ काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें ये अ वर्ण जो है वो अच्छे से लाइन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइन दी हुई है, तो आपको इन तीन लाइनों में जो ब्लू कलर की लाइन्स है वहाँ पे अ लिखना है। किस प्रकार लिखना है? अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपकी तीन लाइन होंगी, यहाँ पे तीन लाइन दी हुई और ये तीन लाइन्स में आपको अ लिखना है। देखो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, ओ वन कर, सेकेंड कर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से हम अ लिख सकते हैं। कौन सा वर्ण लिख सकते हैं? ओ। तो आपको ट्रेस करते समय, अ लिखते समय आपको मुंह से बोलना है, अ से
जो है वो भी आपको इसी प्रकार कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी बारी आती है एक्टिविटी की। एक्टिविटी तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ना। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है मालूम है आपको? तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और इस पिक्चर में हमको कलर करना है। कौन सा कलर करना है? रेड कलर का इस्तेमाल करना है। मेरे पास भी रेड कलर का चॉक है, उसी प्रकार आपके पास भी होगा। हाँ, क्रेयॉन्स कलर होंगे ना, उसमें से रेड कलर का क्रेयॉन्स कलर का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे कलर करना है और पेंसिल का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिखना है अ। क्या लिखना है? अ वर्ण अ। इस प्रकार आपको लिखना है अ। तो बच्चों आज हमने अ वर्ण की पहचान की है। ये पहचान करने के बाद बारी आती है हमारे वर्कशीट की, जो बहुत ही आसान है। मैं आपको बताती हूँ कि वर्कशीट किस प्रकार चलानी है। तो आपके पास ये बहुत सारे पेजेस होंगे हिंदी के वर्कशीट के, तो ये सब आपको एक बार में नहीं छुड़ानी है। आज हमें सिर्फ एक ही वर्कशीट छुड़ानी है, ठीक है। तो ये वर्कशीट देखिए जो मेरे हाथ में है। हाँ, आपके पास भी होगी वर्कशीट। तो अ वर्ण की जो हमारी पहली वर्कशीट है जिसपे मैंने डेट डाली है, कौन सी डेट है? 10 जून 2020। कौन सी डेट है?
आपको वर्कशीट पे अ निकालना है लेकिन पेंसिल से, ठीक है बच्चों। तो इस वर्कशीट के लिए आपको 10 मार्क्स है। यदि सब बच्चे अच्छे से लिखेंगे तो मैं 10 में से आपको 10 पॉइंट्स दे दूंगी, 10 मार्क्स अंक दे दूंगी और उसके साथ होगा